Hello and welcome back to Management Nazariya. Today's lecture or today's class we will discuss about objective of management. हमने previous two lectures में जाना as to what is the definition of management, what is your management and what are the characteristics of management. In the previous video we discussed about what is the nature of management. Today we will discuss about the objective of management. Management करने का main उद्देश्य क्या होता है इसे हम जानेंगे. तो basically management के objectives को तीन भागों में बांटा गया है. The objective of management can be classified into three categories. Your first one is your organizational objectives, social objectives and your personal objectives. Initially, at the basic level, जब आप एक firm में काम करते हो तो organization आपकी पहली प्राथमिकता होती है, right? It's your first primary importance. या कोई भी organization जब एक चीज़ plan करती है तो अपने organization को ध्यान में रखते हुए plan करती है. Hence, your first objective is your organizational objective. Your second objective is your personal objective, social objective. Why social objective? Kyunki an organization works in the society and with the society. Society ke hi log hote hain jo us organization ke alag alag department mein kaam karte hain. So when all of them work together, there is a social cause why that organization is existing. The service, the profits, each and everything directly or indirectly is going to, you know, fill the need of the society. So social objective bhi bahut important hota hai. And third aata hai personal objective. Employee ka personal objective, of organization ka jo bhi head hai uska personal objective. अब आपके उद्देश्य को आप सामने रखते हो कि आप भी खुद से क्या चाहते हो. और जब ये OSP, that is your organizational, social और personal objective साथ मिलकर काम करते हैं और hand in hand चलते हैं एक दूसरे को coordinate करते हुए, only then you can fulfill your management objectives. Okay, so let's understand कि organizational objective क्या है. There are three basic organizational objective. First is your survival, second is the profit and third is the growth. Survival, आप हो क्यों और अगर हो तो आप खुद को ज़िंदा कैसे रखोगे मार्केट में. प्रॉफिट, अगर आपको मार्केट में ज़िंदा रहना है तो आपका प्रॉफिट कमाना बहुत ज़रूरी है. लॉसेस आप कब तक झेलोगे, एक हद के बाद यू विल फील फ्रस्ट्रेटेड एंड यू विल शट डाउन योर कंपनी. इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट ज़रूर गेन करो. एंड थर्ड कम्स योर ग्रोथ. अब अगर कंपनी सर्वाइव भी कर रही है, प्रॉफिट भी कमा रही है तो ऑल इन ऑल ग्रो भी करेगी, आगे भी बढ़ेगी, राइट? सो दीज आर योर थ्री बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. तो लेट्स अंडरस्टैंड, फर्स्ट वन वॉज योर सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए. द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस सर्वाइवल, इन ऑर्डर टू सर्वाइव एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट लर्न टू अर्न थ्रू रेवेन्यूज एंड कवर द कॉस्ट. जब सर्वाइवल की हम बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप घाटों में जा रहे हो, लॉसेस में जा रहे हो एंड यू से दैट यू आर सर्वाइविंग. नो, एट लीस्ट इफ़ यू हैव गिवन एन इनपुट ऑफ रुपीज़ 10, तो आपको रुपीज़ 12 तो कमाना आना ही चाहिए, तभी आप कह सकते हो कि आप सर्वाइव कर रहे हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, यू टेक एन एग्ज़ाम्पल ऑफ अ सोल ट्रेडर. ठीक है, सोल ट्रेडर हम किसे कहते हैं, उन लोगों को जो अकेले एक बिजनेस को कमेंस करते हैं, स्टार्ट करते हैं. एग्ज़ाम्पल आपका पानीपुरी वाला, वड़ा पाव के ठेले वाले अंकल, ये सब कौन से हैं, ये सारे सोल ट्रेडर्स हैं, सोल वन, राइट? तो ये अगर सर्वाइव, इनको अगर आप देख के इन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को समझो, क्योंकि ये बहुत ही रिलेटेबल है, दैट्स वाई आई एम टेकिंग दिस एग्ज़ाम्पल. तो वो वड़ा पाव वाले अंकल को क्या क्या इन्वेस्ट करने की ज़रूरत होगी, एक ठेला लगाना होगा, राइट?
देन उनको ऑयल ख़रीदना होगा, बेसन ख़रीदना होगा, कुछ मसाले ख़रीदने होंगे एंड वो कढ़ाई एंड ऑल दोज इक्विपमेंट्स। तो मान लो ये सारी चीज़ों में उसने 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए, सो ही हैज़ टू मेक श्योर कि वो उस 1000 रुपीज़ की भरपाई कर पाए, कि एट द एंड ऑफ द मंथ वो एटलीस्ट उस 1000 को 1500 में कन्वर्ट करने में सक्षम हो। देन यू कैन से दैट बड़ा पाव वाला अंकल इज़ सर्वाइविंग इन द मार्केट, पीपल आर विजिटिंग हिज मार्केट, आर गोइंग टू हिज स्टॉल और वो उनका जो वड़ा पाव है उसे कंज्यूम कर रहे हैं। अब धीरे धीरे क्योंकि वो अंकल 1500 कमाना शुरू कर दिए पर मंथ फ्रॉम दैट वड़ा पाव स्टॉल, वॉट ही विल थिंक 1500 काफ़ी नहीं है यार, लेट्स गो टू सम प्रॉफिट्स नाउ। सो द मैनेजमेंट हैज़ टू इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन मेक्स प्रॉफिट एंड प्रॉफिट प्रोवाइड्स वाइटल इंसेंटिव फॉर द कंटिन्यूड सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ एन एंटरप्राइज। तो अब जब वो वड़ा पाव अंकल ये एम करेंगे कि 1500 तो कमा लिया, अब थोड़ा प्रॉफिट्स कमाया जाए, उससे क्या होगा, ही विल बी मोटिवेटेड, ही विल फील पॉजिटिव, उनका मोरल इंक्रीज होगा एंड सक्सेसफुली वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन करेंगे, जिससे वो 1500 के बदले वो 3000 पर मंथ अर्न करना स्टार्ट कर देंगे। नाउ ही विल बी हैप्पी, शुरू किया था 1000 रुपये से, आज 3000 रुपये आ गया हूँ, वाओ 2000 प्रॉफिट आई एम अर्निंग एवरी मंथ। और हर मंथ तो उसे नया ठेला नहीं डालना होगा, सिर्फ रॉ मटेरियल इकट्ठे करने होंगे, राइट? तो फिर भी 3000 बहुत अच्छा कमाई है फ्रॉम दैट वड़ा पाव स्टॉल। अब स्टोली एंड स्टेडली वो वड़ा पाव वाले अंकल सोचेंगे, वाई एक सिर्फ छोटा सा ठेला लगा के टू गिव सर्विस टू द पीपल और ये चीज़ें मैं अवेलेबल करूँ, क्यों ना एक छोटी सी दुकान खोल लेता हूँ टेम्प्ररी सी, ठेला में थोड़ा इनकन्वीनियंस होता है इन वॉशिंग एंड ऑल, तो एक छोटा सा दुकान खोल लेता हूँ टेम्प्ररी वाला। तो वो सोचते हैं लेट्स गो टूवर्ड्स ग्रोथ नाउ। तो ग्रोथ क्या होगा, टू रिमेन इन द इंडस्ट्री द मैनेजमेंट मस्ट एक्सप्लॉइट फुल्ली एंड द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देर आर मैनी इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ सच एज सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज इन द एम्प्लॉय काउंट विद द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज इन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जब उस अंकल ने ग्रोथ के बारे में सोचा तो उन्होंने एक ठेले से एक दुकान पर गए टू अ शॉप। नाउ व्हेन ही स्टार्टेड अ शॉप उन्होंने अपने अंडर 2-3 लोगों को रख लिया, कोई एक बर्तन धो देगा, कोई एक सर्विस प्रोवाइड कर देगा लोगों को, और ख़ुद वो अंकल जी बराबर से एकदम काउंटर पे बैठ के पैसे गिनना चालू कर दिए। तो उससे क्या हुआ, ग्रोथ हुआ उनके एक ठेले से। उन्होंने जब वो शॉप पे गए तो उन्होंने 2 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, तो इंक्रीज़ इन द एम्प्लॉई हुआ, ठीक है, एम्प्लॉय के नंबर में इंक्रीमेंट आया, प्लस कैपिटल इन्वेस्टमेंट में भी उन्हें बढ़ाना पड़ा, जो भी प्रॉफिट्स उन्होंने कमाए थे उसको शॉप में लगाना पड़ा, उसको थोड़ा ढंग का दिखाने के लिए सारी फर्निशिंग करनी पड़ी। तो ऑल इन ऑल जब वो सर्विस अच्छा दे रहे हैं एंड प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, ही इज़ गोइंग टूवर्ड्स ग्रोथ। कहाँ एक ठेला, कहाँ एक दुकान, बहुत फ़र्क पड़ता है। एंड व्हेन यू गो टू एंड बाय दैट सेम वड़ा पाव एट द सेम कॉस्ट फ्रॉम दैट शॉप, उससे क्या होगा, एक ट्रस्टवर्दीनेस भी आता है कि अच्छा दुकान का तो थोड़ा तो हाइजीन मेंटेन किया होएगा, तो उससे क्या होगा, पब्लिक और अट्रैक्ट होके आएगी, राइट? तो दैट इज़ बेसिकली योर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। आई होप ये एग्जांपल जो मैंने यूज़ किया है ऑफ अ सोल ट्रेडर वड़ा पाव वाले अंकल का आपको क्लियरली समझ में आया होगा। इन केस आप कोई फर्म लेते हो इनटू कंसिडरेशन, तो इसमें क्या होता है, सर्वाइवल के लिए एक फर्म ने कुछ कैपिटल इन्वेस्ट किया एंड इन द सेम मैनर दे आर अर्निंग मोर देन दैट कैपिटल बीन इन्वेस्टेड। स्लोली एंड स्टेडली दे मूव टूवर्ड्स प्रॉफिट एंड देन एक्सपांड देयर बिजनेस इन वेरियस फील्ड्स। देन वी टॉक अबाउट योर सोशल ऑब्जेक्टिव। नाउ व्हाट इज़ अ सोशल ऑब्जेक्टिव, एज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी एवरी ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज़ अ बिजनेस और अ नॉन बिजनेस हैज़ अ सोशल ऑब्लिगेशन टू फुलफिल विच इज़ टू कॉन्स्टेंटली क्रिएट इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सोसाइटी। दिस इंक्लूड्स एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन,
गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रोवाइडिंग बेसिक एमिनिटीज़ लाइक स्कूल्स एक्सेट्रा. सी, अब जब वो वड़ा पाव वाले अंकल ने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया था, राइट, तो ही इज़ फुलफिलिंग वन सोशल ऑब्जेक्टिव, इको फ्रेंडली चीज़ें. मतलब अब जो वो पानी करके बाहर फेंक देते थे, ऐसे रोड पे ऐसे डाल देते थे, फिर वो पूरा रोड गंदा हो जाता था, नाउ ही इज़ यूजिंग प्रॉपर मेथड्स टू डिस्चार्ज दैट वाटर. प्रॉपर उसका सीवेज एंड ऑल बना होगा, प्रॉपर उसके नाले नले निकले होंगे उस दुकान से, एंड वो प्रॉपर एक गटर में जाके वो पानी गिरता होगा. तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स यूज़ कर रहा है, एंड देन ही इज़ ऑल्सो प्रोवाइडिंग बेसिक एमिनिटीज़. अब मान लो कि वो जो भी हायर किए लोगों को, दे डोंट हैव अ हाउस टू लिव, वो ऐसे ही यहाँ से वहाँ यू नो शिफ्टिंग टाइप के पीपल है, जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट किया तो यहाँ काम कर लिए, उधर मिला तो उधर काम कर लिए. तो उन्होंने अपने घर में नहीं बट अपने दुकान में बोला कि ठीक है भैया तू यहीं पे सो जा, दुकान का ख्याल रखना. तो व्हाट, बेसिक एक छोटा सा सहारा भी मिल गया. तो दिस इज़ योर सोशल ऑब्जेक्टिव. देन यू हैव समथिंग नोन एज योर पर्सनल ऑब्जेक्टिव. Now, organization consists of different types of individuals who joins it to satisfy their diverse need. अब वो जो employee उनके organization, उनके दुकान पे जो लगा है, जो बर्तन धो रहा है, उसके भी तो कुछ needs होंगे जिसे उसे fulfill करना है. Maybe he is living, his family is living somewhere else, he is here living in that shop, staying. तो वो अपना सारा money कहाँ भेजता होगा, सारे पैसे, ताकि उसके फैमिली के इकोनॉमिक नीड्स फुलफिल हो पाए, राइट. तो कॉम्पिटिटिव सैलरीज, पर्क्स, पीयर रिकॉग्नाइजेशन, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मैनेजमेंट हैज़ टू रिकनसाइल ऑन पर्सनल गोल्स विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स फॉर द हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन. एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग इटसेल्फ, जब भी हम ऑब्जेक्टिव्स मैनेजमेंट से रिलेटेड बात करते हैं, तो आपका ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल, ये तीनों चीज़ रिकनसाइल होते हुए, मतलब हैंड इन हार्मनी एक साथ चलती हैं, ओनली देन यू कैन लीड टूवर्ड्स ग्रोथ. आई होप आपको ये पूरा वीडियो क्लियरली समझ में आया होगा. इफ़ नॉट, लिसन टू इट वंस अगेन, ट्राई टू यू नो रिलेट योर सेल्फ विद दैट वड़ा पाव वाले अंकल. कुछ देर के लिए खुद को उनकी जगह पे रखो एंड जस्ट यूज़ योर इमेजिनेशन पावर और इन कंसेप्ट्स को उस पर बिठाने की कोशिश करो. आई एम 100% श्योर कि ये कंसेप्ट समझ में आ ही जाएगा. फॉर एनी डाउट्स, फॉर एनी सजेशंस, वट एवर यू फील लाइक, प्लीज़ कॉमेंट बिलो इन द कॉमेंट सेक्शन. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. नेवर स्टॉप थिंकिंग एंड कीप इनोवेटिंग, एंड येस, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना. थैंक यू.